बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलामुअलैकुम। लाइब्रेरी वॉइस के नॉवेल देवी में आप सबको खुशामदीद। वीडियो की तरफ आने से पहले लाइब्रेरी वॉइस की प्यारी सी ऑडियंस से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम न्यू वीडियोज़ की अपडेट्स आप तक बरवक्त पहुँच सकें। शुक्रिया। तो व्यूअर्स, आइए चलते हैं नॉवेल देवी की नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। शानी और डोला एक बार फिर बड़ी खामोशी से भूरे वार की तरफ जा रहे थे। शानी के पहलू में चलता हुआ डोला बिल्कुल बच्चा ही लगता था। उसकी मासूम सूरत आम बोनों से काफ़ी मुख्तलिफ थी। जब तक उसे गौर से ना देखा जाता पता नहीं चलता था। शानी ने भी अपना मुँह सर अच्छी तरह ओढ़नी में लपेटा हुआ था। हवा साएं साएं करती बुलंद पहाड़ी दरख्तों के दरमियान से गुजर रही थी और शाम के साए तवील होने के बाद अब तारीकी में ढलने लगे थे। शानी के अंदर बेपनाह बेकरारी थी। वो ज़ख्मी इंस्पेक्टर हफीज़ के बारे में जानना चाहती थी। शानी के नज़दीक हफीज़ की ज़िंदगी हर लिहाज से कीमती थी। उसे कुछ हो जाता तो कभी पता न चलता कि हवालदार नागी और उसके दोस्त के साथ क्या हुआ। ना ही उस तवील कामत शख्स के बारे में कोई खोज लग सकता जिसकी तलाश में गालिबन नागी ने जान हारी थी। वो तवील कामत शख्स उस उलझी हुई डोर का सिरा बन गया था जिसमें रुस्तम और नासिर वगैरह की गुमशुदगी का मामला भी बुरी तरह उलझा हुआ था। शानी अपने साथ अजमल खान को लाना चाहती थी मगर दो दिन पहले वो चूंकि एक झगड़े में मुलविस हो चुका था और उसे साथ लाना मुनासिब नहीं था। दूसरे उसका पाँव भी ज़ख्मी था। शानी ख़तरा मोल ले रही थी ताहम वो जानती थी कि अब खतरात मोल लिए बगैर चारा नहीं। डोले ने चलते चलते कहा, बाजी आपने बताया है कि ज़ख्मी इंस्पेक्टर साहब छोटे पीर के एक मुरीद के घर में हैं, तो क्या वो मुरीद हमें घर में घुसने देगा? दरअसल बात यह है कि अभी तक हफीज़ की शनाख्त नहीं हो सकी। इलाके के लोग उसे राहगीर समझ रहे हैं या उनका ख्याल है कि वो किसी करीबी बस्ती का रहने वाला है। उसकी शनाख्त के लिए कल से बहुत से लोग भूरेवाल आए हैं। समझो हम भी उनमें से एक हैं। हम क्या कहेंगे वहाँ जाकर? मैं कहूँगी मेरा भाई कई महीने से शहर गया हुआ है, उसका कोई पता नहीं चल रहा। डोला तफहीमी अंदाज में सर हिलाने लगा। शाम काफ़ी गहरी हो गई थी जब वो मज़ार के नवाह में पहुंच गए। मज़ार कदरे बुलंदी पर था। नशेब में रॉकेट की रोशनियां नज़र आ रही थी और बुलंदी पर करीबन एक मील आगे भूरेवाल के चराग झलक दिखा रहे थे। मज़ार के वसी अहाते में उस वक्त खामोशी थी। अहाते से सिर्फ 40-50 मीटर आगे चंद एक छोटे घर थे। शानी की मालूमात के मुताबिक इन घरों में मज़ार के खिदमतगार और छोटे साई के करीबी मुरीद रिहाइश पजीर थे। इसके साथ ही लंगर खाना था और झंडे वगैरह लगे हुए थे। शानी और डोले को मुरीद इब्रार का घर तलाश करने में ज़्यादा दुश्वारी नहीं हुई। यह मकान निस्बतन बड़ा था, 3-4 कमरे तो होंगे। घर पर सुर्ख रंग का झंडा लहरा रहा था। घर के ऐन सामने एक दरख्त पर मन्नतों की बहुत सी रंग बिरंगी धजियाँ बंधी हुई थी। शानी ने डोले को कुछ फासले पर दरख्तों के झुंड में छोड़ दिया और समझा दिया कि वो वहीं पर उसका इंतज़ार करे। इसके बाद धड़कते दिल के साथ उसने इब्रार के दरवाजे पर दस्तक दी। दूसरी तीसरी दस्तक पर दरमियाने कद के एक 20-22 साल नौजवान ने दरवाज़ा खोला। वो शलवार कमीज में था और सर पर गोल टोपी थी। शक्लो सूरत से वो ठेठ पंजाबी लग रहा था। क्या बात है? उसने पंजाबी लहजे में पूछा। मैंने छोटे साई के मुतवल्ली जी से मिलना है। मुतवल्ली जी इस वेले नहीं मिल सकते, खुश्क लहजे में जवाब मिला इससे पहले कि दरवाज़ा बंद हो जाता। शानी ने अपना हाथ दरवाजे पर रख दिया। मैं बड़ी मजबूर हूँ और दूर से आई हूँ, मेरा मिलना ज़रूरी है, शानी ने मकामी लबो लहजे में कहा। कहा है ना कि नहीं मिल सकते, जाओ काम करो, एक बार फिर तेज लहजे में कहा गया। अंदर से एक भारी और भराई हुई सी आवाज़ आई। ओए कौन है शहाबे? एक कुड़ी है जी, अंदर घुसती आ रही है, चंद लम्हे के तौकफ के बाद कहा गया। क्या कहती है, बुलाओ उसे। गोल टोपी वाले ने बुड़बुड़ाकर दरवाज़ा खोल दिया। शानी चादर में लिपटी लिपटाई अंदर चली गई। सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही थी। एक सहन से गुजर कर वो एक कमरे के सामने पहुंची। यहाँ लालटेन की रोशनी थी। एक बड़ी चारपाई पर एक सेहतमंद बंदा फैल कर लेटा हुआ था। उम्र 28-30 साल रही होगी। सर सफा चढ़ था, बिल्कुल छोटी दाढ़ी थी, लगता था कि शेव बढ़ी हुई है। वो बनियान और धारीदार रेशमी धोती में था। एक जवान साल पहाड़न उसकी टांगे दबा रही थी। पहाड़न लड़की कबूल सूरत थी। उसके हाथों पर मेहंदी लगी थी और चूड़ियाँ छन छन कर रही थी। शानी ने देखा मुतवल्ली अबरार की आंखें अंगारों की तरह सुर्ख थी। यकीनन ये किसी नशे का असर था। ये वही शख्स था जिसने दो दिन पहले अजमल खान से झगड़े की शुरुआत की थी। क्या बात है काकी? उसने लेटे लेटे शानी से सवाल किया।
लहजा सपाट था। उसके मुंह से काकी का लफ्ज शानी को अजीब लगा। शानी चादर में पोशीदा थी, इसके बावजूद उसने जान लिया था कि वह जवान साल है। उसने शानी के लिए काकी का लफ्ज इस्तेमाल करके अपने रुतबे को बुलंद रखने की कोशिश की थी। शानी ने कहा, मेरा भाई गुम है जी, पिछले 3 महीने से। मैं रोकेट से आई हूँ। मैंने सुना है कि आपके पास कोई जख्मी बंदा इलाज के लिए आया है। शानी की बात पूरी होने से पहले ही अबरार ने हाथ उठाकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। फिर एक बेजार सी जमाई लेकर अपने पांव दबाती लड़की से बोला, अच्छा गुलजारा तू जा, अब सो जा जाकर। गुलजारा नामी वो लड़की अपनी ओढ़नी सर पर दुरुस्त करते हुए उठी। वो भरपूर जिस्म की मालिक थी। शानी ने हैरत से देखा। लड़की ने अबरार के दोनों पांव इकट्ठे करके उन्हें चूमा, फिर उन पर अपना माथा टेका और उल्टे पांव चलती हुई बाहर निकल गई। वो मजार की तरफ चली गई थी। मुतवल्ली अबरार शानी को एक दूसरे कमरे में ले आया। उसकी चाल में हल्की सी लड़खड़ाहट थी और उसके गले में लकड़ी के मोटे दान वाली माला लड़खड़ा रही थी। इस दूसरे कमरे में शानी ने हफीज को देखा। वो एक निवाड़ी पलंग पर दराज था। उसका चेहरा जर्द था, शेव बढ़ी हुई थी और आंखें नीलगुं होकर सूज गई थी। उसकी एक झलक देखकर ही शानी को अंदाजा हो गया था कि उसकी हालत ठीक नहीं बल्कि बहुत खराब है। वो अटक अटक कर सांस लेता था और हर सांस के साथ गर्दन के निचले हिस्से पर सामने की तरफ छोटा सा गढ़ा नमूदार हो जाता था। उसके सर पर किसी चादर से फाड़ी जाने वाली बड़ी सी पट्टी बांध दी गई थी। उसकी दोनों कलाइयों और दोनों टखनों पर तकरीबन एक दर्जन तावीज़ बंधे हुए थे। शानी के दिल ने एक लहजे के लिए गवाही दी कि हफीज़ की ज़िंदगी खतरे में है और उसे फौरी तौर पर किसी अच्छे मालिश के पास पहुँचाया जाना चाहिए। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी कि हफीज़ के ज़रिए रुस्तम की गुमशुदगी का खोज लग सकता था, बल्कि बात यह भी थी कि वह एक जीता जागता इंसान था और तावीज़ घंटे की भेंट चढ़कर मर रहा था। शानी को लगा कि वो वाकई उसका भाई है, उसे उसकी ज़रूरत है। वो पूरी जान से तड़प गई। उसके अंदर वही जिबिलत जाग उठी जो उसे गैरों के दुख झेलने पर मजबूर करती थी। वो सब कुछ भूलकर दूसरों के ख़तरनाक तरीन मसाइब को अपने गले लगा लेती थी। वो मर रहा था और उसे ज़िंदगी की ज़रूरत थी। वो मर रहा था और बड़ी तेज़ी से मर रहा था। वो मर रहा था और उसके अंधुले कपड़ों में एक पुरउमंग खत था। वो खत जिसमें किसी का पुरशोक इंतज़ार था, जिसमें 14वें के चाँद का जिक्र था और मोहब्बत के जुगनुओं से सजी हुई हसीन शामों का जिक्र था। शानी को लगा वाकई उसका भाई मर रहा है। वो कराह कर बोली, मेरे अल्लाह, यही मेरा भाई है, यही है मेरा भाई। उसने बेसाख्ता आगे बढ़कर उसका माथा चूमा और उसके जर्द गालों पर हाथ फेरा। फिर वो बेताब होकर बोली, मुतवल्ली साहब, इसे क्या हो रहा है? ये खींच कर सांस ले रहा है, इसके होंठ नीले हो रहे हैं। मुतवल्ली अबरार के चेहरे पर हल्की सी परेशानी नजर आई। उसने हफीज़ की पेशानी छूकर देखी, फिर तिफल तसल्ली के अंदाज में बोला, कुछ नहीं, बस ज़रा बुखार हो गया है, ठीक हो जाएगा। तब उसने गौर से शानी की आंखों में झांका, उसके बाद हफीज़ की तरफ देखा और फिर दोबारा शानी की तरफ देखा। तो ये तेरा भाई है? उसने उलझे हुए अंदाज में पूछा। जी मुतवल्ली जी, ये भाई है मेरा। मैं इसे ले जाना चाहती हूँ, यहाँ से ले जाना चाहती हूँ। कहाँ ले जाना चाहती है? अबरार का लहजा तीखा हो गया। तेरे घर वाले कहाँ हैं? अगले 2-3 मिनट में मुतवल्ली अबरार और शानी में ज़ोरदार बहस हुई। हफीज़ की मखदूश हालत देखकर शानी हर खतरे अंदेशे से बेनियाज हो गई थी। एक ऐसी तवानाई उसके अंदर बेदार हो गई थी जो अक्सर सामने वाले को मरूब कर देती थी। वो मुतवल्ली अबरार का बाजू अपनी उंगलियों में जकड़ कर बोली, तुम इसकी हालत देख रहे हो, बड़ी अच्छी तरह देख रहे हो। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुँचा दूंगी। ख़त्म कर दो ये तमाशा, खुदा के लिए ख़त्म कर दो। वह बिफरी हुई शेरनी की तरह आगे बढ़ी और उसने हफीज़ के टखनों से बंधे हुए स्याह तावीज़ तोड़ तोड़ कर फेंक दिए। उसकी यह हरकत मुतवल्ली अबरार को बिल्कुल आग बगोला कर गई। उसने शानी को धक्का दिया, वो दीवार से जा लगी। तुम हो कौन, कौन हो तुम? तैश के आलम में शानी अपना खालिस देहाती लबो लहजा बरकरार नहीं रख सकी थी। अबरार ने झपटा मारकर शानी को बेपर्दा कर दिया। फिर वो चिल्लाया, मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारा भाई है, तुम झूठ बोल रही हो। कौन हो तुम, किसके कहने पर आई हो? मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन बाद में। अभी इसका कुछ करो, अगर इसे कुछ हो गया तो तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। शानी के लहजे में हैरान कुन वजन और दबदबा था। इसका कुछ नहीं हो सकता, इसके साथ जो कुछ होना है यही होना है। बकवास मत करो। शानी एक बार फिर हफीज़ की तरफ झपटी। उसने हफीज़ की कलाई पर बंधे तावीज़ भी तोड़कर फेंक दिए। अबरार ने बदहवासी के आलम में शानी को वापस खींचने की कोशिश की। शानी ने उल्टे हाथ का जोरदार थप्पड़ अबरार के मुंह पर मारा। उसकी कई चूड़ियां टूटकर फर्श पर बिखर गईं। इससे पहले कि मुश्तइल और हवास बाख्ता मुतवल्ली अबरार जवाब में कुछ कहता या करता, एक गैर मुतवक्के वाक्या हुआ। एक जानिब से गोल टोपी वाला नौजवान बरामद हुआ
उसके हाथ में एक मोटी असानुमा शय थी। शायद ये मुतवल्ली अबरार का ही असा था। नौजवान ने शीशम की यह भारी लकड़ी बड़ी ताकत से अबरार के सर के पिछले हिस्से पर मारी। वह लड़खड़ा कर गिरा। उसकी माला चारपाई के पाए से उलझ कर टूट गई और मन के फर्श पर बिखर गए। नौजवान ने गिरे हुए अबरार के सर पर एक और भरपूर जर्ब लगाई। वो ऐंठ कर साकित हो गया। कुछ नहीं कहा जा सकता था कि वो बेहोश हुआ है या। शानी के पूरे जिस्म में हल्की सी लर्जिश थी। वो हैरत से नौजवान की तरफ देखने लगी। नौजवान की आंखों में नमी थी और चेहरे पर जलजले की कैफियत। वो असा फेंक कर तेजी से शानी की तरफ आया और उसके कदमों में बैठकर उसके पांव को छू लिया। कि क्या करते हो? शानी तेजी से पीछे हटी। मैंने आपको पहचान लिया है। आप बड़ी आपा की बेटी हैं। आप रंगवली की छोटी बीबी हैं। मैंने पहचान लिया है, वो लर्जीदा आवाज में बोला। कौन हो तुम? आपने मक्खनवाल का नाम जरूर सुना होगा। ये रंगवली के पास एक पिंड है। मैं वहां के रहने वाला हूँ जी। मेरे माँ प्यो भट्टा मजदूर थे। भट्टा मालिक ने उनको गिरवी रखा हुआ था। हमको बड्डी आपा ने छुड़ाया था। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा जी, सब कुछ बताऊंगा। अभी आप मुझे ये बताएं, मुझे क्या करना है? आप जो कहेंगी मैं करूंगा, अपनी जान लड़ा दूंगा। आप बस हुक्म करें जी। नौजवान के लबो लहजे में शानी को अपने ही इलाके की झलक नजर आई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। शायद इसी को कैबी इमदाद कहते हैं। यहाँ वो काम हुआ था जिसकी उसे हरगिज तौका नहीं थी। शानी ने हिम्मत की थी। नताइज से बेपरवाह होकर अबरार से झगड़ा मोल लिया था। इस झगड़े के सबब उसके चेहरे से नकाब उतरा था और नकाब उतरने की वजह से एक खैर ख्वाह ने उसे पहचान लिया था, एक अजनबी खैर ख्वाह ने। शानी ने एक तेज नज़र बेसुद पड़े मुतवल्ली अबरार पर डाली। वो नींद बेहोशी के आलम में नहीं था, ये गहरी बेहोशी थी। चोटें जोरदार लगी थी। शानी ने हफीज की तरफ देखा और बोली, इसकी हालत ठीक नहीं, इसको किसी तरह शहर पहुँचाना होगा। क्या यहाँ कोई गाड़ी है? हाँ जी, एक डाला है, उस पर हम घोड़ा गली से सामान वगैरह लेकर आते हैं। तुम उसे चला लोगे? रास्ता बड़ा मुश्किल है, पर अल्लाह की मदद से चला लूँगा जी। इस घर में और कौन है? इस वक्त मेरे सिवा और कोई नहीं है जी। ये सारे लोग कल रात के जागे हुए हैं, इसलिए आज जल्दी सो गए हैं। डाला मकान के पिछवाड़े खड़ा है। चाबी मुतवल्ली इब्रार की अलमारी में होगी। तुम डाला स्टार्ट करोगे तो किसी को पता तो नहीं चल जाएगा? वो एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गया, फिर फौरन बोला, उसे अभी स्टार्ट करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। काफ़ी दूर तक ढलवान पर जाना है। हैंड ब्रेक खोलेंगे तो चलना शुरू हो जाएगा। बस डीजल के 2 गैलन रखने पड़ेंगे, वो मैं अभी रख लेता हूँ। आगे जाकर डीजल डाल लेंगे। पक्की सड़क तक पहुँच गए तो फिर कोई मुश्किल नहीं होगी। घोड़ा गली तक मुश्किल से 1 घंटे का रास्ता होगा, शानी ने कहा। लेकिन इसको डाले तक पहुँचाओगे कैसे? उसका इशारा हफीज़ की तरफ था। घर के पिछवाड़े एक छोटा दरवाज़ा है जो अबरार ने तख्ते लगाकर बंद किया हुआ है। मैं अभी 2 मिनट में तख्ते उखाड़ देता हूँ। मेरे साथ कोई और भी है, तुम तख्ते उखाड़ो, मैं उसे लेकर आती हूँ, शानी ने कहा और तेज़ी से डोले की तरफ चली गई। सब कुछ बड़े खुश असलूबी और तेज़ी से हुआ। मज़ार के इर्द गिर्द मौजूद घरों में से किसी को कानो कान खबर नहीं हुई और अब शानी जख्मी हफीज़ को लेकर तेज़ी से घोड़ा गली के रुख पर जा रही थी। उनकी मंजिल घोड़ा गली से आगे मरी का तहसील हस्पताल था। डाले को गोल टोपी वाला वही अजनबी खैर ख्वाह ड्राइव कर रहा था। उसका नाम शहाबुद्दीन था। डोला उसके साथ बैठा हुआ था। डाले के फर्श पर मोटा गदेला डालकर हफीज़ को लिटा दिया गया था और ऊपर कंबल दे दिया गया था। शानी हफीज़ का सरहाने बैठी थी और मुसलसल उसकी देखभाल कर रही थी। शुरू में रास्ता बेहद दुश्वार था। कई जगह तो यूं लगा था कि शायद डाला आगे ही नहीं बढ़ सकेगा। दर हकीकत ये पैदल या घोड़े खच्चर वगैरह का रास्ता था। उन्होंने 1 घंटे में बामुश्किल 4-5 मील सफ़र तय किया होगा, लेकिन अब वो निस्बतन बेहतर रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे। ड्राइविंग कैबिन और अगबी हिस्से का दरमियानी शीशा मौजूद नहीं था। शहाब और डोला आसानी शानी से बातचीत कर रहे थे। शहाब एक बिल्कुल सीधा सादा नौजवान था। शुरू में तो शानी को ये उम्मीद भी नहीं थी कि वो ये लोडर ड्राइव कर लेगा, लेकिन ये काम तो वो बहरहाल कर ही रहा था। उसने अब तक जो बातें की थी उनसे मालूम हुआ कि उसने शानी के चेहरे से चादर का नकाब उतरते ही उसे पहचान लिया था, क्योंकि वो अपनी माँ बड्डी आपा की जिंदा तस्वीर थी। शहाब और उसका पूरा घराना हजारों दूसरे लोगों की तरह वड्डी आपा और चौधरी इरशाद का परिस्तार था। वड्डी आपा के उन पर बहुत ज्यादा एहसानात थे। शहाब की गुफ्तगू से पता चला कि अभी कुछ देर पहले मुतवल्ली अबरार के घर में जो जवान पहाड़न अबरार के पांव दबा रही थी, वो मकामी रवाज के मुताबिक मज़ार की चाकरी में थी। शानी ने चाकरी के बारे में पूछा तो शहाब ने बताया कि मकामी रवाज के मुताबिक जो लोग किसी मुसीबत में होते हैं वो रद्द बला के लिए अपने अहले खाना में से किसी एक फर्द को कुछ अरसे के लिए भूरे साई या एक दूसरे मज़ार की खिदमत के लिए वक्फ कर देते हैं। बिगड़ते बिगड़ते इस रवाज की शक्ल ये हो गई है कि कुछ जाहिल अपनी औरतों तक को भेज देते हैं। शहाब ने बताया कि वह लड़की अपनी मर्जी से मज़ार की चाकरी में आई हुई है, उसका एक भाई जेल में है
और उसे सजाए मौत हुई है इस मन्नत के साथ कि जवान भाई की फांसी टल जाए। इस लड़की ने खुद को चाकरी में दे रखा है। चाकरी की मजीद तफसील बताने से शहाब ने इज्तनाब किया, लेकिन उसकी बातों से साफ पता चलता था कि अक्सर औकात चाकरी की आड़ में मजार के कारे मुख्तार लोग गुनाह का घिनौना खेल खेलते हैं। बाज़ औकात सादा लोह लोगों को मुतमईन करने के लिए छोटा साईं अपने किसी मुरीद और चाकिर औरत के दरमियान निकाह का ड्रामा भी रचा देता है। इर्द गिर्द के लोग बहुत कुछ जानते हैं और बहुत से उसके खिलाफ भी हैं, लेकिन मुख्तलिफ किस्म के डर और वहम उन्हें चुप रहने पर मजबूर रखते हैं। इस गुफ्तगू के साथ साथ शानी मुसलसल हफीज़ की देखभाल भी कर रही थी। नहायत नाहमवार रास्ते की वजह से उसे गाहे बगाहे नीम बेहोश हफीज़ को थाम कर रखना पड़ता था। वो बार बार टॉर्च की रोशनी में उसका चेहरा भी देख लेती थी और सांस की रवानी का जायजा भी ले लेती थी। जब शहाब ने एक हमवार जगह पर लोडर रोककर उसमें डोले की मदद से डीजल भरना शुरू किया, अचानक हफीज पर तशन्नुज की कैफियत तारी हो गई। उसके हाथ पांव मुड़ने लगे और आंखों की पुतलियां ऊपर की तरफ चली गईं। शानी ने उसे पानी पिलाया, डोले और शानी ने उसकी हथेलियों और तलबों की मालिश की। कुछ देर बाद उसकी ये कैफियत खत्म हो गई। फिलवक्त शानी के जहन में फकत एक ही बात थी, हफीज को जल्द अज जल्द किसी अस्पताल तक पहुंचाया जाए। वो इस शख्स के लिए वही तड़प महसूस कर रही थी जो कोई अपने किसी खूनी रिश्ते के लिए कर सकता है। वो बाकी सारी बातें भूली हुई थी। वो जानती थी इन पहाड़ों से निकलकर किसी शहर तक पहुंचना उसके लिए बेहद खतरनाक है। वहां उसके लिए अनगिनत अंदेशे मौजूद थे। उनमें तीन बड़े अंदेशे रियाज हिटलर, पीर कुदरतुल्ला और चौधरी बशीर थे, लेकिन वो ये भी जानती थी कि हफीज की जिंदगी चल चलाती धूप में रखी बर्फ की तरह खत्म हो रही है। वो अब सोच सकती थी, न कहीं रुक सकती थी, न मुतबादिल रास्ता ढूंढ सकती थी। जल्दी करो शहाब, वो फरियादी आवाज में बोली। बस काम खत्म हो गया छोटी बीबी, शहाब ने अदब से कहा और खाली कैन कैबिन की छत पर रख दिए। चंद ही लम्हे बाद लोडर फिर से ऊंचे नीचे रास्ते पर रवा था। डोले ने कहा, बाजी कहीं वो बंदा मर तो नहीं जाएगा? उसका इशारा मुतवल्ली अब्रार की तरफ था। लगता तो नहीं, जब हम वहां से निकले तो उसने हिलना जुलना शुरू कर दिया था, शानी ने कहा। मर भी गया तो लोग यही समझेंगे उसे जिन्होंने मार दिया है, शहाब ने ड्राइव करते करते कहा। क्या मतलब? शानी ने पूछा। छोटे साई ने दावा किया है कि रेलवे मुलाजिम आबिद के घर में होने वाली खूनी वारदात में हवाई चीजों का अमल दखल है। वो कहता है जख्मी हफीज साहब में भी एक सिख जिन घुसा हुआ है। अक्सर लोग तो शायद यही समझेंगे कि जख्मी हफीज साहब ने अपने सिख जिन की ताकत से मुतवल्ली अब्रार की खोपड़ी तोड़ी और फिर डाला लेकर कहीं निकल गए। और तुम्हारे बारे में क्या समझा जाएगा? डोले ने पूछा। शायद ये समझा जाए कि मैं इस वाक्य की दहशत से कहीं गायब हो गया हूँ। मुझे ये फिक्र है कि कहीं इस वाक्य का इल्ज़ाम अजमल खान पर ना आ जाए, शानी ने कहा। देखें छोटी बीबी, मुतवल्ली अब्रार को पता ही नहीं था कि आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं, फिर वो आपकी वजह से रोकेट और आपके किसी साथी की तरफ तवज्जा क्यों करेगा? वो तो अचानक शहाब खामोश हो गया। डोले ने होंठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया। डोले के चेहरे पर तशवीश के आसार थे। वो जैसे कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश कर रहा था। कोई हमारे पीछे है, आखिर उसने सरसराती आवाज में कहा। क्या मतलब? शानी ने अपनी फड़फड़ाती ओढ़नी को मजबूती से थाम कर पूछा। मुझे घोड़ों की टापों की आवाज आ रही है, काफी देर से। लोडर ढलवान पर जा रहा था। शानी के कहने पर शहाब ने इंजन बंद कर दिया और हेडलाइट्स बुझा दी। शानी ने पूरी तवज्जा से सुनने की कोशिश की। पहले तो उसे ये डोले का वहम लगा, पर उसका दिल भी धक धक करने लगा। घोड़े की टाप जैसी नामानूस आवाज हवा के दोष पर उसने भी सुनी थी। उनका पीछा किया जा रहा था इस तारीख रात में, इन वीरान सर्द पहाड़ों के दरमियान, इस जांबलब मरीज के साथ, इस बेसरो सामानी के आलम में। वो शायद घेरे में लिए जा रहे थे। शानी ने शहाब से कहा, इंजन स्टार्ट कर दो और चलते रहो। लोडर फिर स्टार्ट होकर ऊंचे नीचे रास्तों पर उछल कूद करने लगा। यह बेहद दुश्वार सफर था। पथरीले रास्ते पर बड़े बड़े गड्ढे थे, एक तरफ जंगल से ढका हुआ पहाड़ और दूसरी जानब गहरी खाई थी। हेडलाइट्स बुझा दी जाती तो चंद लम्हों में वो तहतुसरा तक जा पहुंचते। शहाब उर्फ शहाबा बेशक ड्राइविंग बहुत अच्छी नहीं कर सकता था, लेकिन वो उन रास्तों को बहुत अच्छी तरह शनावर था। वो किसी ना किसी तरह डाले यानी लोडर को आगे बढ़ाता चला जा रहा था। शानी और शहाब को अब आवाज नहीं आ रही थी, ताहम डोले के कान बदस्तूर खड़े थे। उन्होंने तकरीबन 5-6 मील का फासला इसी तरह तय किया। फिर डोला ज्यादा मुस्तरिफ दिखाई देने लगा। मुझे लगता है कि ये 3 के करीब घुड़सवार हैं, या शायद 4 हैं, उनमें से 2 या 3 इकट्ठे हैं, एक अलहदा है। शानी ने अपने समात पर जोर दिया। इस दफा यह आवाज करीब थी और दाएं तरफ से आ रही थी। वो देखें जी, डोले ने चिल्लाकर दाएं तरफ इशारा किया। शानी ने डोले की बताई हुई सिमत में देखा, एक परछाई सी दरख्तों के पीछे ओझल होती नजर आई। अब सुबह की कोई गुंजाइश नहीं थी। बामुश्किल 1 मिनट गुजरा होगा कि 2 घुड़सवार आनन फानन लोडर के सामने आ गए। वो पुलिस अहलकार थे
उनके हाथों में छोटी खुदकार राइफलें थीं। उन्होंने हाथ के इशारे से लोडर को रुकने का इशारा किया। शहाब ने लोडर रोक दिया। इसी दौरान एक तीसरा घुड़सवार भी सामने आ गया। उसकी कमर से पिस्टल लगा हुआ था। ये एक बावर्दी सब इंस्पेक्टर था। गाड़ी बंद करो, उसने घोड़े पर बैठे बैठे तहकुम से कहा। शहाब ने शानी की तरफ देखा और इंजन बंद कर दिया। नीचे उतरो, उसने शहाब और शानी को एक साथ घूरते हुए हुक्म जारी किया। सर जी, हमारे साथ मरीज है, उसकी हालत चंगी नहीं है, उसको फौरन अस्पताल पहुंचाना है, शहाब ने कहा। कर लेते हैं तुम्हारे मरीज को भी चेक, जरा नीचे तो उतरो, रिवायती अंदाज में कहा गया। शानी ने मरीज की हालत दिखाते हुए एहतजाज करना चाहा, लेकिन इसी दौरान में एक हेड कांस्टेबल ने हाथ बढ़ाकर लोडर की चाबी इग्निशन में से निकाल ली और शहाब को खींचकर बाहर ले आया। चारों नाचार शानी को भी नीचे उतरना पड़ा। वो सब इंस्पेक्टर के सामने पहुंचकर गरजी, कुछ खुदा का खौफ करो, ये बंदा मर रहा है, हमारे लिए एक एक मिनट कीमती है। कौन है ये, क्या हुआ है इसे, कहाँ से आ रहे हो? सब इंस्पेक्टर ने टॉर्च का रोशन दायरा हफीज पर ऊपर से नीचे तक दौड़ाते हुए ऊपर तले कई सवालात कर डाले। तुम मेहरबानी करके गाड़ी की चाबी दो, अगर इस बंदे को कुछ हो गया तो तुम्हारा भी सत्यानाश हो जाएगा, शानी बुलंद आवाज में बोली। सब इंस्पेक्टर ने अपनी तोंद पर हाथ फेर कर दोनों टांगों पर वजन बराबर किया और तैश आमेज अंदाज में गर्दन टेढ़ी करके शानी को सरतपा देखा। ओ हो हो, धमकियां दी जा रही हैं, तेरे जैसी कुड़ी को धमकियां देने की क्या जरूरत है, बस आंख का इशारा करो और जिसको चाहो कत्ल करके अपने कदमों में डाल लो, ना कोई चार्ज, ना कोई दफा, ना पर्चा शर्चा, उसने बड़ी बेबाकी से शानी को बाजू से थाम लिया। शानी ने अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश की लेकिन गिरफ्त मजबूत थी। शहाब से सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ, वो तड़क कर बोला, थानेदार साहब अपने आप में रहो, हम कोई चोर डाकू नहीं और ना ही लावारिस हैं, छोड़ दो छोटी बीबी का हाथ। ओए तेरी तो, लंबे तड़ंगे हेड कांस्टेबल ने दांत पीसे और वहशियों की तरह शहाब पर पिल पड़ा। शहाब दरमियाने कद काठ का था लेकिन उसके अंदर दहकानी दलेरी मौजूद थी। उसने हेड कांस्टेबल के पेट में जोरदार घूंसे रसीद किए और खुद को छुड़ाने की कोशिश की। इस हरकत पर दूसरा अहलकार भी उस पर टूट पड़ा और राइफल के बट बेदरेक मारने लगा। दूसरी तरफ सब इंस्पेक्टर ने शानी को घुमाकर लोडर की साइड से दे मारा और तलाशी लेने वाले अंदाज में उसके जिस्म पर हाथ दौड़ाने की कोशिश की। शानी ने उल्टे हाथ का जन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। वो चंद कदम पीछे हटा, पिस्टल शानी पर तान लिया। खबरदार, गोली मार दूंगा, वो धाड़ा और अपनी गिरी हुई टोपी झाड़कर सर पर रख ली। इसी दौरान में दोनों कांस्टेबल शहाब को राइफल के कुंदे से कारी जरबे लगाने के बाद नीम जान कर चुके थे। वो जमीन पर पड़ा कर रहा था और लंबे तड़ंगे कांस्टेबल ने अपना पांव उसकी गर्दन पर रख दिया था। दूसरे कांस्टेबल ने हैरान कुन दीदा दलेरी से शानी को अकब से दबोच लिया। शानी मुजाहमत कर सकती थी, ताहम वो जानती थी कि इस वीराने में यही अहलकार पुलिस अदालत और जल्लाद के जुमले अमूर अंजाम दे सकते हैं। और बात सिर्फ उसकी अपनी जान की नहीं थी, जहाँ बल्ब हफीज उसके साथ लोडर में था और अब शहाब भी जख्मी होकर पथरीली जमीन पर पड़ा था। हेड कांस्टेबल ने फुर्ती से उसके हाथों में हथकड़ी पहना दी थी। शानी ने अपने तैश पर काबू रखते हुए कहा, देखो तुम लोग ज्यादती कर रहे हो, आखिर चाहते क्या हो तुम? ज्यादती की नहीं थी लेकिन अब थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी, फरबा अंदाम सब इंस्पेक्टर ने अपनी सांसों पर काबू पाते हुए कहा। शानी के दिल में आई कि इन पुलिस वालों को बता दे कि लोडर में पुलिस का ही एक इंस्पेक्टर है, लेकिन वो फौरी तौर पर बताने या ना बताने का फैसला नहीं कर सकी। इस बात का अंदेशा मौजूद था कि बताने के नतायज संगीन होंगे। ये रात के करीबन 10 बजे का अमल था। सर्द हवा चल रही थी, फजा में खून की बढ़ती जा रही थी। तीनों अहलकार शहाब और शानी को धकेलते हुए एक बड़ी चट्टान की ओट में ले आए। यहाँ हवा का दबाव कम था। अचानक शानी को एहसास हुआ कि डोला मौजूद नहीं है, वो किधर गया था? गालिबन वो घुड़सवारों की आमद से चंद सेकंड पहले खिसक गया था। शानी अच्छी तरह जानती थी कि वो बुजदिल नहीं है, वो जानबूझकर ओझल हुआ था। पुलिस वालों से अभी तक किसी ने डोले के होने या ना होने का नोटिस नहीं लिया था। इसका मतलब था कि उन्हें मालूम नहीं कि लोडर पर कितने अफराद सवार थे। सब इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल को इशारा किया कि वो अच्छी तरह शहाब की जामा तलाशी ले। उसने खुद बड़े गैर इखलाकी अंदाज में शानी की जामा तलाशी ली। वो खुद पर बेपनाह जब्त किए खामोश खड़ी रही। वो अभी तक कोशिश कर रही थी कि मामला मजीद ना बिगड़ने पाए, लेकिन पता नहीं क्यों उसे लग रहा था कि कोशिश कामयाब ना होगी। उसे सब इंस्पेक्टर के मुंह से अल्कोहल के मनहूस बू भी आ रही थी। अगले 3-4 मिनट में अहलकारों ने शहाब की घड़ी, अंगूठी, सोने का एक तावीज और 600-700 रुपये नकदी अपने कब्जे में कर ली। शानी के कानों से सोने की बालियां उतार ली गईं। वो छोटी सी खूबसूरत अंगूठी भी उनके कब्जे में चली गई जो रुस्तम ने उसे मुंह दिखाई के तौर पर दी थी। शानी ने 2-3 बार बोलने की कोशिश की मगर सब इंस्पेक्टर ने हर बार डांट कर खामोश कर दिया। सारी अशिया अपने कब्जे में लेने के बाद अहलकारों ने आपस में खुसर फुसर की। उसके बाद सब इंस्पेक्टर थानेदारी लहजे में बोला, ओए रमजाने,
इन दोनों के बयान लेने हैं, पर अलहदा अलहदा। चल तू इस हरामी को लेकर उन दरख्तों में चला जा, मैं पहले इस बीबी से सवाल जवाब कर लूँ। कांस्टेबल ने मायने खेज अंदाज में सर हिलाया और शहाब को हथकड़ी से घसीटता हुआ दरख्तों की तरफ चला गया। सब इंस्पेक्टर ने दूसरे कांस्टेबल यानी हेड कांस्टेबल से कहा, चल तू लोडर में चला जा उस मुर्दार के पास, उसका ध्यान रख कहीं पार ही ना हो जाए। हेड कांस्टेबल भी चला गया। सब इंस्पेक्टर घोड़े की जेन पथरीली जमीन पर रखकर बैठा था और चट्टान से टेक लगा रखी थी। शानी अभी तक खड़ी थी। उसने शानी को सर तपा घूरा, उसकी आंखों में शैतानी झलक दिखाई देने लगी थी। उसने टॉर्च का रोशन दाया शानी के जिस्म पर ऊपर से नीचे तक सिरकाया। हाँ अब बता कहाँ से आई है, ये बंदा कौन है तेरा और ये फिटल कैसे हुआ है, लेकिन ये सब कुछ बताने से पहले बैठ जा इधर मेरे सामने। शानी उसी तरह साकित खड़ी रही। वो तहकुम से बोला, सुना नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, इधर बैठ जा मेरे सामने। अचानक शानी के जहन में झमाका सा हुआ। उसे चंद दिन पहले का वाक्य याद आया जो नूर अब्बासी ने सुनाया था। उसने बताया था कि गोरे के बंगले वाली वारदात के बाद इर्द गिर्द के कुछ घराने आर्जी तौर पर गलियात वगैरह की तरफ चले गए थे। ऐसे ही एक फैमिली पर जाली पुलिस वालों ने धावा बोला और उसे घेर कर एक वीरान मुर्गी खाने में ले गए। यहाँ एक जवान लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया जाता रहा। कहीं पुलिस की वर्दियों में ये वही शैतान सिर्फ लोग तो नहीं थे। उसने ध्यान से मोटे भद्दे शख्स को देखा जिसने सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहन रखी थी। ना जाने क्यों इस शख्स का लबो लहजा और तौर अतवार शानी को पहले से शुभे में मुब्तिला कर रहे थे। अब नए ख्याल के तहत उसने मजीद गौर किया तो उसके दिल ने गवाही दी कि उसका कयाफा दुरुस्त है। बैठती क्यों नहीं, सब इंस्पेक्टर की वर्दी वाला गरजा। शानी साकित खड़ी रही। बेहतर है कि तुम हमें जाने दो, जख्मी की जान खतरे में है। मैं कहता हूँ बैठ जा इधर, वो दांत पीस कर फनकारा। मुझे नहीं बैठना, तुझे नहीं बैठना, वो सांप की तरह फनकारा। और अगर मैं तुझे गोद में बिठाकर दिखा दूं तो फिर। शानी की निगाह बड़ी देर से मशकूक सब इंस्पेक्टर के पिस्टल पर थी। ये पिस्टल उसने बेपरवाही से अपने करीबी घास पर रख छोड़ा था। पिस्टल शानी से ज्यादा दूर नहीं था। वो जाली सब इंस्पेक्टर के नादिर शाही हुक्म के मुताबिक एक कदम आगे बढ़कर नीचे बैठ जाती तो बआसानी अपना हाथ पिस्टल तक पहुंचा सकती थी। इसके लिए बस थोड़ी सी फुर्ती की जरूरत थी और इस अमर की जरूरत थी कि उसका हाथ सीधा पिस्टल पर ही पड़े। इसके बाद वो दो चार कदम पीछे हटकर पिस्टल बहरूपी अहलकार पर तान लेती। असलहे का इस्तेमाल शानी के लिए अनोखी बात नहीं थी। रंगवली की हवेली में उसके अब्बा जी अक्सर उसे राइफल थामना, लोड करना और चलाना सिखाते थे। उसने सिर्फ एक दो सेकंड के अंदर इस सारे मामले को और उसकी टाइमिंग को भांपा। एक दफा पिस्टल उसके हाथ में आ जाता तो वो उस बहरूपी को अपना हुक्म मानने पर मजबूर कर सकती थी, और अगर वो ना मानता या उस पर झपटने की कोशिश करता तो वो उसके पांव या टांग पर गोली भी मार सकती थी। लेकिन इससे ज्यादा वो शायद ना कर सकती। अपने बदतरीन दुश्मन की जान लेना भी उसके लिए मुमकिन नहीं था। वो पिस्टल तक पहुंचने के लिए अपने जिस्म को हरकत दे ही रही थी कि अचानक बहरूपिया सब इंस्पेक्टर के अकब में हल्की सी आहट हुई। वो बिजली की तरह तड़पा और अपना पिस्टल थामकर खड़ा हो गया। कौन है, वो अजीब फटे फटे लहजे में बोला। उसकी उंगली लबलबी पर थी और वह शिकारी जानवर की तरह दाएं बाएं देख रहा था। इस अफरा तफरी में शानी की तरफ उसकी पुष्ट हो गई थी। दरहकीकत इन लम्हों में वो शानी की तरफ से अक्सर गाफिल था। शानी ने भी तारीख पौधों में आहट महसूस की थी। उसके लिए नतीजा निकालना मुश्किल नहीं था कि यह ढोला है। रात के इस पहर इस तारीख वीराने में यहाँ और कौन हो सकता था। वो नताइज से बेपरवाह होकर तेजी से झपटी। उसने बहरूपिया सब इंस्पेक्टर का पिस्टल वाला हाथ पकड़कर ऊपर उठा दिया। इसके साथ ही वो चिल्लाई, डोले डोले। लेकिन झाड़ियों से जो शख्स निकल कर बहरूपिया पर झपटा वो डोला हरगिज नहीं था, वो एक सेहतमंद शख्स था। उसने राइफल का बट बड़े जोर से बहरूपिया के मुंह पर मारा। पिस्टल उसके हाथ से निकल गया और वो डकराता हुआ दूर जा गिरा। शानी ने तारीकी में पिस्टल ढूंढने के लिए इधर उधर हाथ चलाए, लेकिन पता नहीं वो कहाँ फिसल गया था। उसने दाएं तरफ नशेब में देखा, बहरूपिया सब इंस्पेक्टर और हमलावर एक दूसरे से गुत्थम गुत्था थे। ओए कुत्ते का बच्चा, ओए खंजीर, वो हमारा बहन है, हम तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगा। हमलावर की वहशी आवाज शानी के कानों में पड़ी और उसके 14 तबक रोशन हो गए। इस ठठरे हुए तारीख वीराने में अचानक दोपहर का सूरज चमकने लगता तो भी शानी को शायद इतनी हैरत ना होती। ये अजमल खान की आवाज थी और वो अजमल को जख्मी हालत में चाचा इब्राहिम के घर में छोड़कर आई थी। वो यहाँ क्यों कर और कैसे पहुंचा, ये बड़ा अहम सवाल था, मगर इसका जवाब ढूंढने का ये वक्त नहीं था। बहरूपिया अजमल से बरसरे पेकार था और उसके साथ साथ वो गला फाड़ कर चिल्ला भी रहा था। शानी ने बाएं तरफ देखा और उसके जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। रमजान नामी वो शख्स जो शहाब को हथकड़ी लगाकर करीबी दरख्तों में ले गया था आंधी की रफ्तार से उड़ा आ रहा था। उसके हाथ में राइफल थी, उसका अंदाज खतरनाक था। शानी ने महसूस किया कि वो अजमल खान पर अकब से गोली चला देगा। दर्द की एक नाकाबले बर्दाश्त लहर उसके सीने में फैल गई।
फिर उसकी आंखों ने एक और ताजुब खेज मंजर देखा। शायद आज की रात ऐसे ही मनाजिर के लिए वक्फ हो गई थी। एक तरफ से कोताह कर डोला भागता हुआ आया और जंप लगाकर रमजाने की राइफल से चिमट गया। रमजान ने बदहवासी में ट्रिगर दबाया। धमाकों के साथ 3-4 शोले निकले और तारीकी में गुम हो गए। रमजान ने राइफल नहीं छोड़ी। नतीजा ये निकला कि वो डोले और राइफल के ऊपर ही औंधे मुंह गिरा। शानी ने अकब से उसके बाल पकड़ लिए और खींचकर उसे पुश्त के बल गिराने की कोशिश करने लगी। तब तीसरे साए की झलक दिखाई दी। ये वो जाली कांस्टेबल था जो जाली सब इंस्पेक्टर को तखलिया फराहम करने के लिए लोडर की तरफ चला गया था। उसके हाथ में भी राइफल थी। वो धारता हुआ आ रहा था। जान से मार दूंगा, खबरदार खबरदार। फिर उसने अपने 222 राइफल सब इंस्पेक्टर से गुत्थम गुत्था अजमल पर तान ली। वो एक दूसरे से बुरी तरह उलझे हुए थे। कांस्टेबल के समझ में नहीं आया कि फौरन गोली चलाए या नहीं। उसकी चलाई हुई गोली उसके साथी को भी लग सकती थी। उसकी ये लम्हाती ताखीर उसके लिए सख्त नुकसानदेह साबित हुई। अजमल ने नीचे लेटे लेटे अपने मध्य मुकाबले को अपनी टांगों पर बड़ी ताकत से उछाला। वो तोप के गोले की तरह अपने साथी से टकराया। दोनों ढलवान पर लुढ़क गए। लुढ़कने के बावजूद जाली कांस्टेबल ने अपने हाथ से राइफल नहीं निकलने दी। उसने पुश्त के बल गिरे गिरे फायर किया। उसके फायर करने से पहले ही अजमल खुद को औंधे मुंह जमीन पर गिरा चुका था। निशाना खता गया। अजमल ने जवाबी फायर किया। ये किसी आम शख्स की चलाई हुई गोली नहीं थी, ये प्रोफेशनल निशानेबाज था। गोली सीधे मध्य मुकाबल के माथे पर लगी। वो जो उठने की कोशिश कर रहा था झटके से फिर पुश्त के बल गिर गया। शानी का ख्याल था कि अजमल खान दूसरा फायर सरगना पर करेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। शायद वो उसे जिंदा पकड़ना चाहता था। उसने 3-4 कदम भागकर फिर जस्त लगाई और उसे छाप लिया। शानी ने मुड़कर देखा। डोले और लंबे तड़ंगे शख्स में कशमकश बदस्तूर जारी था। डोला मुख्तसरुल वजूद होने के बावजूद मध्य मुकाबिल की राइफल से चिमट कर रह गया था। अगर ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि वो राइफल के साथ लटक चुका था। लंबा तड़ंगा शख्स राइफल छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश कर चुका था, लेकिन डोले ने राइफल की नाल बदस्तूर जमीन की तरफ झुका रखी थी और राइफल बरदार की कोई पेश चलने नहीं दे रहा था। राइफल बरदार गालियां बकने के साथ साथ डोले को टांगे रसीद कर रहा था। डोले को डराने के लिए उसने 2-3 फायर भी किए थे, मगर ये सब लाहासिल था, कम अज कम अभी तक लाहासिल था। अजमल खान और जाली सब इंस्पेक्टर को गुथम गुथा छोड़कर शानी डोले के मध्य मुकाबले की तरफ लपकी। एक नुकीला पत्थर उसके हाथ में आ गया। दिल कड़ा करके उसने उस शख्स की गुद्दी से जरा ऊपर चंद जोरदार जरबे लगाए। खोपड़ी के पिछले हिस्से पर लगने वाली आखिरी जरब खासी शदीद थी। वो शख्स लड़खड़ाकर घुटनों के बल गिरा। ये बात उसकी समझ में आ गई कि वो ये 2-तरफा लड़ाई नहीं जीत सकता। उसे कमजोर पड़ता देखकर डोले ने 2-3 शदीद झटके दिए और राइफल उसके हाथ से निकाल ली। राइफल निकली तो वो शानी की तरफ पलटा, इससे पहले कि वो शानी को दबोचता। शानी ने पत्थर की एक और चोट उसके चौड़े जबड़े पर लगाई। वो लड़खड़ाकर नशेब में लुढ़क गया। 8-10 मीटर नीचे जाकर वो उठा, एक लम्हे के लिए रुका, फिर लंगड़ाकर भागता हुआ तारीकी में ओझल हो गया। राइफल डोले के हाथ में थी, लेकिन वो गोली चलाने जैसा बड़ा फैसला फौरी तौर पर नहीं कर सका। वो दोनों वापस मुड़े तो अजमल खान मोटी तोंद वाले शख्स पर काबू पा चुका था। वो उसकी छाती पर चढ़ा बैठा था और घूंसे मार मार कर उसे निढाल कर चुका था। फिर वो उसे पुराने कपड़े की तरह घसीट कर उस चट्टान के पास ले आया जहां उसने सब इंस्पेक्टर के रूप में शानी से तफ्तीश का आगाज किया था। यहां एक तरफ पड़ी हुई टॉर्च अभी तक रोशन थी। वो तीसरा कहां गया शानी बहन? अजमल खान ने राइफल संभालते हुए कहा। वो भाग गया है। हो, मार देना था उस हरामजादे को, अजमल फनकारा। डोले ने जाली अहलकारों की बिखरी हुई टोपियां इकट्ठी कर ली थी और वो पिस्टल भी ढूंढ लिया था जो सरगना के हाथों से गिरा था। डोले ने टॉर्च की रोशनी उस शख्स के चेहरे पर डाली जिसके माथे पर दाएं तरफ पिघले हुए शीशे का सुराख था। स्याही माइल खून उसके चेहरे पर फैल चुका था और स्याह मूछों के नीचे से दांत दिखाई दे रहे थे। राइफल उसके पहलू में पड़ी थी, वो मर चुका था। शानी ने कहा, अजमल मुझे लगता है ये वही नौसरबाज हैं। आप किन का बात कर रहा है जी? नूर अब्बासी ने जाली पुलिस वालों के बारे में बताया था ना, जिन्होंने कुछ लोगों को यरगमाल बनाया और एक लड़की से बदसलूकी भी की। अजमल खान के चेहरे पर हैरत आमेज तासुरात उभरे। उसने गर्दन घुमाकर जरा गौर से सरगना की तरफ देखा, फिर तफहीमी अंदाज में सर हिलाने लगा। शायद आप ठीक पर मार रहा है, वो उकाब की तरह सरगना पर झपटा और राइफल की नाल उसकी जख्मी गर्दन पर रख दी। ओए, कौन हो तुम? बताओ हमको कौन हो? तब राइफल एक जानिब रखकर वो एक बार फिर तूफानी रफ्तार से सरगना पर पिल पड़ा। इस मरतबा अजमल ने उसे बड़ी बेदर्दी से मारा। उसके नाक मुंह से खून छूट गया। अचानक अजमल ने करीब रखी राइफल फिर उठा ली। उसने राइफल सरगना की तरफ उठाई और फनकारा, ओए कापिर के नाजायज बच्चे, हमको बता तुम पुलिस वाला है कि डाकू है? सरगना थर थर कांप रहा था। अजमल ने अपना सवाल दोहराया। मुखातिब ने जवाब नहीं दिया तो अजमल ने बेदरेख फायर कर दिया। बैरल से निकलने वाला शोला फरबा अंदाम सरगना की टांग में घुस गया।
वो ज़बा होते हुए बकरे की तरह चिल्लाया। अजमल ने उसकी पसले में ठोकर रसीद की। बता हरामजादे, कौन है तू? तेरा और कितना साथी है यहाँ? सरगना फिर खामोश रहा। इस मरतबा भी अजमल खान ने अपना सवाल दोहराया और जवाब ना मिलने पर उसकी दूसरी पिंडली में गोली उतार दी। दूसरी गोली खाकर सरगना तड़पने लगा। अजमल उसी लहजे में बोला, बता, नहीं तो तीसरी गोली आ रहा है। अब सरगना का पिंदारा टूट गया और बर्दाश्त जवाब दे गई। वो डकराया, मैं बताता हूँ, इसको पीछे हटाओ। उसका इशारा खान की राइफल की तरफ था। खान ने राइफल का रुख बदस्तूर उसके सीने की तरफ रखा और ख़तरनाक लहजे में अपना सवाल दोहराया। जवाब में सरगना ने कराहते और वावेला करते हुए जो कुछ बताया उससे शान और अजमल के ख्याल की 100% तस्दीक हो गई। ये फिरदोस नामी शख्स पुलिस वाला नहीं था, इसके साथी भी वर्दियों में छुपे जराइम पेशा लोग थे। इन सब का ताल्लुक रावलपिंडी के इलाके से था। इनका एक साथी और था जो गुर्दे के शदीद दर्द के सबब 2 दिन पहले शिकारगाह से वापस चला गया था। फिरदोस नामी उस शख्स ने एतराफ़ किया कि चंद दिन पहले गोरे के बंगले से 6-7 मील के फासले पर एक जवान लड़की से ज्यादती करने वाले वो और उसके दोनों साथी ही थे। उस बदनसीब लड़की के कानों से उतारी हुई सोने की एक बाली भी सरगना की जेब से बरामद हुई। दूसरी बाली दर्द गुर्दा का शिकार होने वाले शख्स के पास थी। सरगना के दर्द से कराहती हुई बातों से पता चला कि वो और उसके साथी इससे पहले राहजनी और डकैती की कोई 2 दर्जन वारदातें कर चुके हैं। इस दौरान में कमोबेश 4 खवातीन उनकी ज्यादती का शिकार भी हुई हैं। ये सब कुछ जानने के बाद अजमल खान की आंखों में खून उतर आया था। उसने सरगना की मुकम्मल जामा तलाशी ली और सब कुछ उसकी जेबों से बरामद कर लिया। वो अब मिन्नत समाजत पर उतर आया था। कभी शानी और कभी अजमल से जाँ बख्शी की दरख्वास्त कर रहा था। शानी उसकी तरफ से रुख फेर कर लोडर की तरफ आ गई। ये इस बात का इशारा था कि अजमल इस सफाक शख्स के साथ जो चाहे सलूक कर सकता है। अजमल और सरगना की आवाज़ें हवा के दोष पर तैर कर शानी और डोले तक पहुँच रही थी। अजमल ने उसे उठकर भाग जाने को कहा। वो घिघियाने लगा, नहीं, तुम मुझे गोली मार दोगे। अजमल के 2-3 बार कहने के बावजूद जब वो उठकर भागा नहीं तो अजमल धाड़ा, तो तुम क्या समझता है हरामी की औलाद, तुम भागेगा नहीं तो अम तुमको छोड़ देगा। अजमल की आवाज़ में कर्ब का समंदर था। सरगना शायद अजमल के पाँव से लिपट गया था। वो जहाँ बख्शी की इल्तजाएं कर रहा था शायद इसी तरह की इल्तजाएं वो औरतें भी करती रही होंगी जो उसकी राहजनी और ज्यादती का शिकार हुई थी। चंद सेकंड बाद जोरदार धमाका हुआ और सरगना की आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई। अजमल घोड़े पर सवार यहाँ पहुँचा था। दरहकीकत यही वो अलहदा घुड़सवार था जो बाकियों से अलहदा आ रहा था और जिसकी निशानदही डोले ने अपने तेज कानों के जरिए की थी। अजमल का यहाँ पहुँचना किसी अचंभे से कम नहीं था। दरहकीकत अजमल रॉकेट बस्ती से ही शानी और डोले के पीछे लगा हुआ था। जख्मी होने के सबब शानी अजमल को अपने साथ नहीं लाई थी, लेकिन वो पीछे रह जाने वाला शख्स नहीं था। उसकी निगाहें हमा वक्त रुस्तम और शानी का ताकुब करती रहती थी और वो उनकी हिफाजत के लिए उनका साया बना रहता था। आज रात भी उसने शानी और डोले की नज़र में आए बगैर 10-15 मील का सफ़र किया था और हैरत अंगेज तौर पर अपने मकसद में कामयाब रहा था। शानी ने कहा, तुम तो जख्मी थे अजमल, मर तो नहीं गया था। हमारे अंदर थोड़ा सा जान भी बाकी होता तो हम आपके पीछे ज़रूर आता। हम को बहुत खुशी है कि हमारा आपके पीछे आना किसी काम आ गया है। हमें ज़्यादा देर यहाँ नहीं ठहरना चाहिए, डोले ने कहा। धमाकों की आवाज़ पहाड़ों में दूर तक गूंजती है। अजमल और डोला जख्मी शहाब को सहारा देकर लोटर तक लाए। जाली कांस्टेबल की जेब से बरामद होने वाली चाबी से शहाब की हथकड़ी खोल दी गई। वो मारा मारी की वजह से सकता जता नजर आता था। साफ पता चल रहा था कि अब वो डाला यानी लोडर ड्राइव करने के काबिल नहीं है। शानू को अपनी छीनी हुई अशा वापस मिल गई थी। सबसे पहले उसने रुस्तम की दी हुई अंगूठी अपनी उंगली में वापस पहनी। उसे लगा जैसे वो कुछ देर के लिए अधूरी हो गई थी, अब फिर मुकम्मल हो गई है। अजमल, डोले और शानी ने मौके पर से अपनी मौजूदगी की सारी निशानियां समेट लीं। मरने वाले दोनों अफराद में से एक ही राइफल और गोलियों वाला बेल्ट उठाकर लोडर में रख लिया गया। इन पहाड़ों में आवारा घूमने वाले इन जानवर नुमा इंसानों की लाशें खुले आसमान तले बेगोरों कफन पड़ी थी। हर दम गहरे होते हुए बादलों के मरहोले उन्हें ढांपते चले जा रहे थे। क्या पता था कि इन इंसान नुमा जानवरों की लाशों को आज रात जंगली जानवरों से ही वास्ता पड़ जाता। इन खतरनाक राहजनों के घोड़े कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। गालिबन शदीद धमाकों के सबब वो इधर उधर भाग गए थे। अजमल का घोड़ा चूंके दरख्त से बंधा हुआ था लिहाजा अपनी जगह मौजूद था। अजमल ने अपना घोड़ा लोडर के अकब में बांध दिया और खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली। गदेले पर लेटा हुआ इंस्पेक्टर हफीज इस सारी हंगामा आराई के दौरान में बिल्कुल साकित पड़ा रहा था। उसकी हालत बदस्तूर नाजुक थी। उसकी एक झलक देख कर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो जितनी जल्दी किसी अस्पताल तक पहुँच जाए उसके लिए उतना ही बेहतर है। अजमल की ड्राइविंग शहाब से बेहतर थी। उनका सफर निस्बतन तेजी से तय होने लगा।
कुछ आगे जाकर बादल साफ हो गए। ऐसे बुलंद पहाड़ों पर अबर ऐसे ही तेज रफ्तारी से आता जाता रहता है। अब जनूब मशरक की तरफ फासले पर मरी और झीका गली वगैरह की रोशनियां दिखाई देने लगी थी। पुख्ता सड़क ज्यादा फासले पर नहीं थी। करीबन एक घंटे बाद वो बुलंद देवदारों और चनारों के दरमियान घिरी हुई एक तंग पुख्ता सड़क पर पहुंच चुके थे। सड़क पुख्ता होने के बावजूद टूटी फूटी थी। दूर दूर तक कोई मुतनफ़िस दिखाई नहीं देता था। यहाँ पहुंचकर तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक शानी ने अजमल से कहा कि वो अब घोड़े को लोडर के अकब से खोल ले और वापस चला जाए। अजमल कुछ देर तक मुतजब्ज़ुब नजर आता रहा, फिर एक गहरी सांस लेकर रह गया। अब परेशान होने की बात नहीं है अजमल, यहाँ से आगे शहाब आसानी से ड्राइव कर लेगा। लेकिन शानी बहन, अजमल मैंने बताया है ना, मेरी तरफ से फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, मैं पर्दे में रहूँगी। मेरा देहाती लिबास तुम देख ही रहे हो, कोई मसला नहीं होगा। हो सकता है कि इसको अस्पताल पहुँचाते ही हम तीनों वापस आ जाएं। हमारा तो मशवरा है जी कि आप इसकी पॉकेट में एक पर्ची डाल दें, उस पर इसका सारा कवायफ मवायफ लिख दें। हस्पताल वालों को खुद ही पता चल जाएगा कि ये पुलिस का बंदा है। इसका इलाज मिलाज अच्छी तरह होना चाहिए। चलो देखते हैं हमें क्या करना है, तुम बस जल्दी से वापस निकल जाओ। और खान भाई, याद रहे कि रास्ता बदल कर जाना है। डोले ने याद दहानी कराई। ऐसा ही होगा छोटू, अजमल ने कहा। कुछ ही देर बाद अजमल का घोड़ा और शहाब का लोडर अलहदा अलहदा सिमत में रवाना हो रहे थे। 2 बजे थे जब लोडर झीका गली से होता हुआ मरी पहुंचा। रात के इस पहर जगमगाती हुई कोह मरी सुनसान नजर आ रही थी। यूं लगता था कि अपने मकीनों की तरह वो भी सुकून की नींद सो रही है। हर दम बारौनक नजर आने वाली माल रोड भी यकसर सुनसान पड़ी थी। जीपीओ के सामने से होते हुए वो तहसील हस्पताल पहुंच गए। रास्ते में उन तीनों ने काफी सोचा था, ताहम शानी को अजमल की यह तजवीज़ मुनासिब नहीं लगी थी कि जख्मी हफीज की जेब में पर्ची रख दी जाए या जबानी किसी को बता दिया जाए कि वो पुलिस इंस्पेक्टर है ताकि उसका बेहतर इलाज हो सके। ऐसा करने में कई तरह के अंदेशे थे। सबसे बड़ा अंदेशा तो यही था कि बहुत सी दूसरी जगहों की तरह डिप्टी रियाज के लोग यहाँ भी मौजूद होंगे। वो छोटे से छोटे सुराख को भी नज़रअंदाज नहीं कर रहे होंगे अगर उन्हें पता चल गया कि हाजी हयात का करीबी साथी यहाँ हस्पताल में एक देहाती के तौर पर मौजूद है, तो वो उसकी पूरी तहकीक करेंगे। अगर डिप्टी रियाज के लोग यहाँ ना भी होते तो भी आम पुलिस चौंक सकती थी कि इंस्पेक्टर हफीज अपनी ड्यूटी की जगह से इतनी दूर क्यों पाया गया है और कैसे जख्मी हुआ है। दूसरी तरफ हफीज को फौरी तिब्बी इमदाद की जरूरत भी थी। बेहतर यही था कि शानी हफीज की शनाख्त बताए बगैर उसका एमरजेंसी इलाज शुरू कराती और फिर किसी तरह हाजी हयात या उसके किसी करीबी मातहत तक बजरिया फोन या इतला पहुंचाती कि हफीज एक वारदात का शिकार होकर मरी के हस्पताल में है और उसे फौरी मदद की जरूरत है। शहाब जो खुद भी जख्मी था अपने जख्म भुलाकर दौड़ा हुआ गया और स्ट्रेचर ले आया। कुछ ही देर बाद शानी और शहाब इमरजेंसी वार्ड में थे। शानी ने डोले को लोडर के अंदर ही रहने दिया था और हिदायत की थी कि वह लोगों की निगाहों में आने से बचा रहे। रात के इस पहर किसी सीनियर डॉक्टर का मिलना मुहाल था। ड्यूटी पर मौजूद 2 डॉक्टर्स ने हफीज को इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी। उसका ब्लड प्रेशर मुसलसल लो हो रहा था, उसे ड्रिप में इंजेक्शन दिए गए और ऑक्सीजन भी लगा दी गई। शानी ने हफीज का नाम हफीज ही लिखवाया, ताहम बताया कि वो उसका भाई है। वो लोग उच्च ग्रां से आए हैं। चंद दिन पहले हफीज के बाग में नामालूम चोर घुस आए और वो उनके साथ लड़ाई में जख्मी हुआ है। हफीज के सर के एक्सरे कराए गए, 1-2 ब्लड टेस्ट भी हुए। जख्म की मरहम बटी हुई, ताहम साफ नजर आता था कि ये सब आरजी ट्रीटमेंट है। असल इलाज तब शुरू होगा जब सीनियर डॉक्टर्स और न्यूरोफिजिशियन वगैरह पहुंचेंगे। ये भी मुमकिन था कि तब हफीज को रावलपिंडी या इस्लामाबाद मुंतकिल करने का मशवरा दिया जाता। बहरहाल अस्पताल पहुंचने से इतना हुआ था कि हफीज की दमबदम बिगड़ती हुई हालत एक जगह पर रुक गई थी। सुबह तक हफीज कुछ संभला हुआ नजर आने लगा, ताहम वो अभी तक नहीं बेहोश था। शानी ने 2-3 बार उसे बुड़बुड़ाते हुए भी सुना। पहले उसने अपनी माँ को पुकारा, फिर शकीला का नाम लिया। यकीनन यही उसकी नौबियाता थी जो किसी नामालूम बस्ती के नामालूम मकाम पर मौजूद थी और एक ऐसी खिड़की में बैठ कर उसे खत लिखती थी जिसमें 14वीं का चांद अपनी किरणें बिखेरता था। रात को सुनसान पहाड़ों में सफर करते हुए खतरनाक राहजनों फिर दोस्त वगैरह से जो मारामारी हुई थी उसमें शहाब को भी 1-2 जोरदार चोटें लगी थी। हफीज की तरफ से कुछ तसल्ली हुई तो शानी ने शहाब से कहा कि वो भी अपनी पर्ची बनवाए और पट्टी वगैरह करवा ले। शानी के मजबूर करने पर शहाब पर्ची बनवाने और ड्रेसिंग वगैरह करवाने के लिए चला गया। उसे गए हुए 20-25 मिनट ही हुए थे कि हफीज की हालत फिर कुछ खराब नजर आने लगी। उसके हाथ पाँव में तशनज नमोदार हुआ और सांस की रवानी भी मुतासर हो गई। होंठ जो पहले सुर्खी माए नजर आने लगे थे फिर हल्के नीले हो गए। शानी भागी हुई गई और ड्यूटी डॉक्टर को लेकर आई। डॉक्टर ने सबसे पहले ब्लड प्रेशर चेक किया, फिर शानी को तसल्ली देते हुए बोला, घबराने की बात नहीं बीबी, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। फिर उसने एक पर्ची पर लिखते हुए कहा, ये इंजेक्शन जल्दी से मंगवा लो। शानी ने कांपते हाथों से पर्ची ली और वार्ड से बाहर आ गई। अब धूप निकल आई थी। अस्पताल के वसी अहाते में चहल पहल नजर आ रही थी।
डोला यकीनन लोडर के अंदर ही सोया हुआ था। शानी खुद को ओढ़नी में छुपाई, फार्मेसी में आई। यहाँ से इंजेक्शन नहीं मिला, उसे बताया गया कि ये बाहर से मिलेगा, शायद माल रोड से। माल रोड ज्यादा दूर नहीं था, वो पर्ची थामे पैदल ही चल पड़ी। चादर के नकाब में से सिर्फ उसकी आंखें ही नजर आ रही थी। उसे इस बात का अंदेशा नहीं था कि वो पहचानी जा सकती है, फिर भी कहीं दिल की गहराई में यह ख्याल मौजूद था कि उसने रॉकेट के उन बेआबाद पहाड़ों में से यहाँ आकर रिस्क लिया है। उससे ज्यादा खतरा डिप्टी रियाज और उसके हरकारों की तरफ से ही था। वो माल रोड पर पहुंची। ये गर्मियों का आगाज था, मरी के सीजन का आगाज हो चुका था। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए थे, मगर जीपीओ के इर्द गिर्द चहल पहल नजर आ रही थी। शानी ने बहुत दिनों बाद किसी शहर की गहमा गहमी देखी थी। उसे सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। उसने एक मेडिकल स्टोर वाले को पर्ची दिखाई। उसने बगौर देखने के बाद कहा, बीबी ये टीका नहीं है, लेकिन इस जैसा दूसरा मिल जासी। तुम कहाँ से आई हो? अस्पताल से, मेरा भाई दाखिल है, वो देहाती लहजे में बोली। क्या हुआ है उसे? सर पर चोटें आई हैं। मैं तुम्हें दूसरा टीका दे देता हूँ, तुम डॉक्टर को दिखा लो, अगर डॉक्टर इनकार कर सी तो फिर मुझको वापस कर जाना। लेकिन डॉक्टर, बीबी मुझे यकीन है ये टीका तुम्हें मरी से नहीं मिलेगा, अगर ट्राई करनी है तो कर लो। शानी ने मुनासिब समझा कि यही टीका ले ले। उसने अदायगी कर दी। अदायगी करने के दौरान में उसने महसूस किया कि उसकी दाईं जानिब खड़ा एक शख्स ध्यान से उसकी तरफ देख रहा है। उसकी छोटी छोटी दाढ़ी और घनी मूछें थी। शानी उस पर मजीद ध्यान दिए बगैर बाहर निकल आई। उसके कदमों में बेताब तेजी थी। वो जल्द अज जल्द हफीज तक पहुंच जाना चाहती थी। उसका बस नहीं चल रहा था, वरना शायद वो दौड़ना शुरू कर देती। हफीज के सिवा उसे सब कुछ भूला हुआ था। अचानक उसके रगों में लहू जम सा गया। उसने देखा कि छोटी छोटी सियाह दाढ़ी वाला वही शख्स उसके पीछे आ रहा है। शानी एकदम बगली गली में घुस गई। यहाँ दोनों तरफ रेस्टोरेंट थे और पूरियां तली जा रही थी। शानी का बदतरीन अंदेशा दुरुस्त साबित हो गया था, वो शख्स वाकई उसके पीछे था। शानी को यह अंदेशा तो था कि अगर उसे मरी में एक दो दिन रुकना पड़ा तो कहीं कोई बदख्वाह उसे पहचान न ले, लेकिन यह तौका उसे हरगिज नहीं थी कि मरी पहुंचने के 6-7 घंटे बाद ही एक मशकूक शख्स उसके पीछे लग जाएगा। कौन है ये, कौन है ये? सवाल एक शोले की तरह शानी के जहन में चकराया। कहीं ये पीर कुदरतुल्ला का कोई खतरनाक चेला तो नहीं? लाहौर की कोठी में जो कुछ उसके साथ हुआ था वो बरकी कूंद की तरह उसके जहन में लपक गया। पीर कुदरतुल्ला की चहेती बीवी की मौत का बदला लेने के लिए उसके एक जनूनी चेले ने इस घर में घुसकर शानी पर हमला किया था। अगर ग्रेस आड़े ना आती तो शायद वो मबहूतुल हवासों से नाकाबले तलाफी नुकसान पहुंचा जाता। शानी के दिल की धड़कन कई गुना बढ़ गई। उसके साथ ही उसे एहसास हुआ कि शायद यहाँ आकर उसने संगीन गलती की है, उसे नहीं आना चाहिए था। तो क्या फिर वह हफीज को वहीं छोटे साई की जाहिलियत के हाथों मर जाने देती? ये सवाल भी अपनी जगह पूरा वजन रखता था। अस्पताल में दाखिल होते ही शानी ने इर्द गिर्द देखा, ताकुब करने वाला उसे कहीं नजर नहीं आया। उसे थोड़ा सा सुकून महसूस हुआ। उसने इंजेक्शन मुतालिका डॉक्टर तक पहुंचाया, जो डॉक्टर ने ले लिया। इंजेक्शन लगने के बाद हफीज की हालत बतदरीज संभल गई। कुछ देर बाद डॉक्टर का राउंड हुआ, हफीज का तफसीली मुआयना किया गया, टेस्ट की रिपोर्ट्स वगैरह देखी गई, शानी से मुख्तलिफ सवाल पूछे गए। बाद अजा शानी को बताया गया कि अभी उसके मरीज को यहीं पर रखा गया है, आज शाम तक कुछ मजीद रिपोर्टें आ जाएंगी, तब बताया जाएगा कि उसे रावलपिंडी ले जाना है या यहीं पर इलाज हो जाएगा। शानी के पास हाजी हयात के दस्तराज सब इंस्पेक्टर अख्तर का फोन नंबर मौजूद था। उसने अस्पताल के पीसीओ से मुतअद्दिद कोशिशें की मगर कामयाबी नहीं हुई। उसने पहलवान के मोबाइल नंबर पर भी कई बार ट्राई की, 2-3 बार शहाब भी कोशिश करके आया, मगर सब कुछ लाहासिल रहा। मेडिकल स्टोर पर मशकूक शख्स को देखने के बाद शानी चाह रही थी कि वह जल्द अज जल्द डोले और शहाब के साथ यहाँ से वापस चली जाए। हफीज किसी हद तक महफूज हाथों में था। आज सारा दिन रह रहकर उसे महसूस होता रहा था कि उसने दाढ़ी मूछों वाले उस शख्स को कहीं देखा है। शाम के वक्त शहाब के सराहाने बैठे बैठे उसके जहन में झमाका सा हुआ। उसे याद आ गया कि यह मनहूस सूरत किसकी है और उसका ताल्लुक किससे है। उसके जिस्म में चूंटियां सी रेंग गईं। ये नासिर था, डॉक्टर नासिर नहीं, चौधरी बशीर के रखेल शुमाइला का बेगैरत खावन नासिर एजाज। शानी ने उसे आखिरी बार मुरीद के में ही देखा था। चौधरी बशीर उसके घर में मेहमान ठहरा हुआ था और ये शख्स चौधरी बशीर को अपनी बीवी के साथ खलबत फराहम करने के लिए किसी बहाने से लाहौर चला जाता था और फिर उसके घर पर ताओ हशाम के मुश्तैल कारिंदों ने हमला किया था। इस हमले में नासिर की टांग पर भी गोली लगी थी और लड़ाई में उसका एक कान तकरीबन कट गया था। शानी इस लड़ाई से बचकर डोले के हमरा भाग निकली थी और आज एक अरसे बाद ये मनहूस शख्स शानी को फिर यहाँ मरी के मेडिकल स्टोर में नजर आया था। गालिब गुमान यही था कि इस शख्स ने मेडिकल स्टोर पर शानी की आवाज़ सुनी और उसके हवाले से शुबे में मुब्तला हुआ। हौसला अफजा बात सिर्फ एक ही थी और वो ये कि जब शानी अस्पताल में दाखिल हुई तो वो अकब में दिखाई नहीं दिया था, मगर गौर किया जाता तो ये बात कुछ ऐसी हौसला अफजा भी नहीं थी। नासिर ने जान लिया होगा कि वो अपने किसी ऐसे मरीज के लिए दवा लेकर जा रही है जो अस्पताल में दाखिल है। मरी का बड़ा अस्पताल यही था, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं था कि यहाँ किसी का सुराग ना लगाया जा सके। एक बात सोचकर शानी का दिमाग सुन हो रहा था, अगर वो वाकई नासिर की निगाहों में आ चुकी थी तो इसका मतलब था कि वो चौधरी बशीर की निगाहों में आ चुकी है
और मौजूदा हालात में चौधरी बशीर उसके लिए जितना खतरनाक साबित हो सकता था वही जानती थी। शाम के फौरन बाद शानू ने शहाब से कहा, मेरा ख्याल है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, तुम ये पैसे ले जाओ और सनी बैंक की तरफ से लोडर में डीजल डलवा लाओ। जैसे आपकी मर्जी जी, मैं बस गया थे आया, आपके लिए खाना शाना भी ले आता हूँ। आपने सवेरे से कुछ नहीं खाया, लेकिन ये पैसे मैंने आपसे बिल्कुल नहीं लेने हैं छोटी बीबी। उसने 500 का नोट वापस मेज पर रख दिया। नहीं शहाब, मैं ऐसा नहीं करने दूंगी, शानी ने बहुत इसरार किया, लेकिन शहाब ने उसकी एक नहीं चलने दी। आखिर शानी ने महसूस किया कि वह रो पड़ेगा। वो गहरी सांस लेकर बोली, अच्छा ठीक है, लेकिन मेरी दूसरी बात तुम्हें मानना पड़ेगी। तुम मुझे और डोले को आखिर तक लेकर नहीं जाओगे, भूरेवाल से 7-8 मील पहले ही उतार दोगे, उससे आगे हम पैदल जाएंगे। तुम लोडर वहीं छोड़कर पैदल वापस मरी आ जाओगे या जहां भी जाना चाहो चले जाओगे। हम वहां भूरेवाल में मुतवल्ली अबरार को बेहोश छोड़ आए थे, ऐसी हालत में तुम्हारा वापस भूरेवाल जाना मुनासिब नहीं। इस बात पर भी शहाब और शानी में तकरार हुई। शहाब छोटी बीबी को रास्ते में छोड़कर वापस आना नहीं चाहता था। बहरहाल शानी की ये बात तो उसे मानना ही पड़ी। शहाब डोले के साथ लोडर में डीजल भरवाने और खाना लेने चला गया। उसके जाने के 10-15 मिनट बाद ही अचानक अस्पताल की बिजली चली गई। घटाटोप अंधेरा छा गया। लोग मोमबत्तियां और माचिस वगैरह ढूंढने लगे। शानी भी नीचे झुककर साइड टेबल में हाथ चलाने लगी। यहाँ उसने मोमबत्ती देखी थी। बेड की दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज आई, मुझे माचिस मिल गई है, किसी के पास मोमबत्ती है? शानी का हाथ मोमबत्ती से छुआ। उसने कहा, हाँ खाला जी, मोमबत्ती मेरे पास है। इससे पहले कि मोमबत्ती और माचिस का मिलाप होता, एक और मिलाप हुआ। ये मिलाप शानी के होंठों और एक आईनी हाथ का था। ये हाथ एक झटके से शानी के मुंह पर आया था। दूसरे हाथ ने शानी की पतली कमर को अपनी आईनी गिरफ्त में ले लिया। शानी को बाएना यही महसूस हुआ कि उसकी कमर किसी बाजू में नहीं, किसी शकंजे में जकड़ी गई है। शानी पर हमला करने वाले ने किसी गुड़िया ही की तरह उसे उठा लिया। शानी ने महसूस किया कि उसके पांव फिजा में बुलंद है और उसकी एक चप्पल निकलकर गिर गई है। उसने चिल्लाने की और खुद को छुड़ाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन दोनों हाथों की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। हमला आवर 8-10 कदम ही चला होगा कि तारीकी में शानी का दाया हाथ एक बेड पर पड़ गया। शानी ने पूरी कुव्वत से बेड के सरहाने वाला लोहा थाम लिया। बेड पर कोई मरीज नहीं था। शानी ने उसके सरहाने वाले फ्रेम को इतनी ताकत से पकड़ा था कि बेड साथ साथ घिसटने लगा। अजीब शोर पैदा हुआ। गहरी तारीकी के बावजूद इर्द गिर्द मौजूद मरीजों और उनके लवाहिकीन को अंदाजा हो गया कि कोई गड़बड़ हो रही है। किसी शख्स ने चिल्लाकर कहा, कौन है यहाँ, क्या हो रहा है? फिर किसी ने टॉर्च रोशन की, लेकिन इससे पहले ही बेड का सिरा शानी के हाथ से छूट गया। एकदम सिरा छूटने के सबब हमला आवर और शानी एक बरामदे में गिरे। शानी के होंठों से आईनी हाथ हट गया। वो चिल्लाई और उसके साथ ही उसने तड़पकर खुद को हमला आवर की गिरफ्त से आज़ाद कर लिया। आज़ाद होते ही वो उठकर भागी। तारीकी में एक नहीं, दो साए उसके पीछे थे। ऐन मुमकिन था कि उनके पास कोई खतरनाक हथियार भी हो। शानी जल्दी से एक कॉरिडोर में मुड़ गई। वो एक एक्सरे रूम में घुसी, किसी स्ट्रेचर से टकराई और फिर एक्सरे रूम के दूसरे दरवाजे से निकलकर एक बरामदे में आ गई। अभी तक जनरेटर वगैरह नहीं चले थे। अस्पताल मुकम्मल तारीकी में डूबा हुआ था। शानी साफ महसूस कर रही थी कि हमलावर उसके पीछे हैं। उनकी तादाद शायद 2 से भी ज़्यादा थी। उनकी खतरनाक आवाज़ें शानी के कानों तक पहुंच रही थी। उधर गई है, नहीं नहीं इधर गई है, वो देखो वो है सामने, पकड़ो साली को। शानी किसी स्टूल से टकराती हुई छोटे से ग्रासी लॉन में गिरी। यह अस्पताल का एक बगली गेट था। सामने ही कचरे के एक बड़े ड्रम के इर्द गिर्द बिल्लियां मंडला रही थी। वो बिल्लियों के दरमियान से गुजरकर छोटे गेट से निकलती हुई सड़क पर आ गई। उसे अपने रुख का कुछ पता नहीं था, ना ही ये मालूम था कि वह अस्पताल की किस सिमत में है। उसने देखा हमला आवर साई बरामदे की सीढ़ियां फैलांगते हुए ग्रासी लॉन में आ गए थे। वो अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि वो बाहर निकली है या अस्पताल के अंदर ही है। यकीनन उनके लिए इस नतीजे पर पहुंचना मुश्किल नहीं था कि वो गेट से निकल गई है। शानी को एक सुजुकी हाईरूफ नजर आई। वो धीमी रफ्तार से गेट के सामने से गुजर रही थी। शानी ने उसे हाथ देकर रुकने का इशारा किया, इससे पहले कि वो पूरी तरह रुकती। शानी ने उसके साइड का स्लाइडिंग दरवाजा खोला और सवार हो गई। ड्राइविंग सीट पर बैठे अधेड़ उम्र शख्स ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। प्लीज मुझे ले चलें, प्लीज गाड़ी आगे बढ़ाएं, शानी ने इल्तिजा की। अधेड़ उम्र शख्स ने सर हिलाया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। शानी कांप रही थी। उसने मुड़कर देखा, साए भागते हुए नजर आए। उन्होंने शानी को सुजुकी डब्बे में सवार होते देख लिया था। वो गाड़ी के पीछे दौड़े। शानी ने दहशत जदा आवाज में कहा, प्लीज जल्दी करें, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। गाड़ी की रफ्तार तेज नहीं हुई, वो बस बाईसाइकिल की रफ्तार से जा रही थी। शानी फिर चिल्लाई, आप क्या कर रहे हैं, गाड़ी तेज करें, वो मुझे पकड़ लेंगे, वो खतरनाक लोग हैं। गाड़ी वाले ने मुड़कर अकब में देखा, मगर वो रफ्तार बढ़ाने में कामयाब नहीं हुआ। शायद वो ऐसा चाह ही नहीं रहा था। पीछे करने वाले करीब आते जा रहे थे। ये क्या कर रहे हो तुम, शानी फिर चीख कर ड्राइवर से मुखातिब हुई। वही कर रहा हूँ जो कर सकता हूँ, गाड़ी वाले ने गंभीर आवाज में कहा और ब्रेक लगा दी।
गाड़ी रुक गई। पीछे आने वाले तुंद बगोलों की तरह अंदर घुस आए। एक ने शानी को अपनी आहिनी गिरफ्त में जकड़ लिया, दूसरे ने गाड़ी का दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। गाड़ी वाला अब भी सुकून से बैठा था। उसने मुस्कुराकर शानी की तरफ देखा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। डबल करो उस्ताद जी, हमला आवरों में से एक ने ड्राइवर से कहा। उसने असबात में सर हिलाए और गाड़ी को आनंद फानंद 30-40 की स्पीड पर पहुंचा दिया। शानी पर इंकशाफ हुआ कि उसकी बदकिस्मती उसे गलत गाड़ी में ले आई है। वो भागकर एक ऐसे शख्स के पास पहुंची है जिसके साथी उसे भागने पर मजबूर कर रहे थे। अब वो शख्स बड़ी सफाकी से हंस रहा था। उसने खुद को जकड़ने वाले के चेहरे पर कई तमाचे मारे, लेकिन फिर 2-3 मजीद हाथों ने उसे दबा लिया। वो बेबस हो गए। सड़क के दोनों तरफ मखरूती छतों वाले घर रोशन थे। लाइट सिर्फ अस्पताल की गई थी या शायद प्रोग्राम के तहत बंद की गई थी। इंसानों की तरह बैठी रहो छोटी चौधरानी, वरना हम बदतमीजी करने पर मजबूर हो जाएंगे। एक जहरीली आवाज शानी के कानों से टकराई। उसने धुंधलाई हुई नजरों से देखा। उसके पीछे आने वालों में से एक नासिर एजाज था। घनी मूछों और छोटी छोटी दाढ़ी के बावजूद वो उसे पहचान सकती थी। शानी ने देखा उसके हाथ में रुमाल में लिपटी हुई कोई चीज थी। ये पिस्तौल था। हवा से उसके बाल मुंतशिर हुए तो शानी ने देखा बालों के नीचे उसके कान की जगह एक छोटा सा टोंड था। शानी को मलका एक ओहसार मरी से रावलपिंडी ले जाया गया। ये काम सुबह का उजाला फैलने से बहुत पहले पहले मुकम्मल हो गया। शानी को एक नामालूम रिहायशी आबादी की कोठी में पहुंचाया गया। लॉन और पोच से अंदाज़ा होता था कि एक केनाल टेट केनाल की कोठी है। यहाँ शानी को एक राइफल बरदार गार्ड और एक डॉग कॉटेज भी नज़र आया। गाड़ी अंदरूनी दरवाजे के ऐन सामने रोकी गई और 3-4 अफराद ने शानी को दबोचकर तेज़ी से अंदर पहुँचा दिया। कोठी के वस्त में एक कमरा गालिबन शानी के लिए पहले से तैयार कर दिया गया था। यहाँ एक बेड और स्टील की कुर्सी के सिवा कोई शय मौजूद नहीं थी। खिड़की और रोशनदानों पर लोहे की ग्रिल थी। शानी को कमरे में धकेलकर लकड़ी का मोटा दरवाज़ा बाहर से मुकफल कर दिया गया। शानी अच्छी तरह समझ गई थी कि यहाँ रोने चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। उस पर हाथ डालने वाले लोग ऐसे नहीं थे कि कच्चा हाथ डालते। वो बेड पर बैठने की बजाय खड़ी रही। उसने बंद दरवाजे से माथा टेका और सिसकियों से रोने लगी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब कुछ हुआ है और इतनी जल्दी हुआ है। बेशक उसके जहन में अंदेशे मौजूद थे और ये अंदेशे ज़्यादातर डिप्टी रियाज की तरफ से थे। उसे तौका नहीं थी कि वह रियाज से भी ख़तरनाक शख्स के हाथे चढ़ जाएगी और वह भी इतनी सरहद के साथ। उसे वो सारी बातें याद आ गईं जो वक्तन फवक्तन उससे कही गई थी और जिनका लबे लुबाब ये था कि तहसील मरी के इन पहाड़ों से बाहर उसके लिए खतरात ही खतरात हैं। ये बातें कहने वाले यकीनन उसके बही ख्वाह थे। उनमें हाजी हयात था, पहलवान था, अजमल खान और चाचा इब्राहिम थे। तो वह क्यों उनकी बातों को रद्द करके यहाँ चली आई? उसने खुद को मलामत की, लेकिन फिर फौरन ही दूसरा ख्याल उसके जहन में आया। उसने एक कीमती जान बचाने के लिए ऐसा किया था, एक ऐसी जान जिसकी सलामती के तुफैल रुस्तम की तलाश कामयाब हो सकती थी, और वह अपने मकसद में किसी हद तक कामयाब भी रही थी। हफीज अब महफूज हाथों में था। या रब मेरी मदद कर, वो दरवाजे से लगी लगी सिसक उठी। कमरे में बुलंदी पर लगा हुआ वॉल क्लॉक अब दिन 7 बजे का वक्त बता रहा था। ताहम इस कमरे में दिन की रोशनी की पहुंच नहीं थी। वो निढाल सी होकर बेड पर बैठ गई। खींचा तानी में उसकी एक आस्तीन फट गई थी और चप्पल भी कहीं निकल गई थी। जहां जहां उसे सख्ती से पकड़ा गया था वहां वहां जलन थी और खराशें नमूदार हो गई थी। वो डोले और शहाब के बारे में सोचने लगी। ना जाने उन पर क्या बीती थी। डोले के बारे में तो किसी को मालूम ही नहीं था कि वो उसके साथ है। ताहम शहाब की तरफ से शानी को खदशा महसूस हो रहा था। फिर शानी का ध्यान मुन्ने की तरफ चला गया। वो परसों दोपहर उसे चाचा इब्राहिम के घर में सोता छोड़कर आ गई थी। उसका ख्याल था कि वो ज्यादा से ज्यादा 2-3 घंटे में मुन्ने के पास वापस पहुंच जाएगी। वो सोचने लगी वो शाम के बाद 8 बजे के करीब जागा होगा। उसने शानी को कमरों में ढूंढा होगा, फिर ग्रेस और बेजी ने उसे तसल्ली दी होगी। उसने रात तो जैसे तैसे काट ली होगी, लेकिन अब उसकी निगाहें मुसलसल घर के बैरूनी दरवाजे पर लगी होंगी। उसकी मासूम आंखों में इंतजार के सिवा और कुछ नहीं होगा। कमरे के बाहर से मधम आवाजें शानी के समात में पहुंच रही थी। कनकट्टा नासिर मोबाइल फोन पर बात कर रहा था। जी जी सब ठीक हो गया है जी, बड़ी इज्जत से लेकर आए हैं चौधरानी साहिबा को। नहीं जी कोई मसला नहीं हुआ। वो दूसरी तरफ से की जाने वाली बात सुनता रहा और हनकारा भरता हुआ फिर बोला, आप कहाँ पहुंचे हैं जी? ठीक है जी, बस 1-1.5 घंटे का रास्ता होगा। आखिर में उसने कहा, ओके ओके आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, और फोन बंद कर दिया। शानी की धड़कनें जीरो जबर होने लगी। नासिर यकीनन चौधरी बशीर से बात कर रहा था। गालिबन चौधरी बशीर को इस बात की इतला पहले ही मिल चुकी थी कि शानी यहाँ मरी के अस्पताल में मौजूद है। अब वो एक आतिशफिशां की तरह उबलता हुआ और तेज रफ्तार लावे की तरह बहता हुआ लाहौर से रावलपिंडी की तरफ चला आ रहा था। उसका तसव्वुर करके शानी सरतपा कांप गई। चंद मिनट बाद नासिर एजाज की आवाज़ दोबारा सुनाई देने लगी। अब फिर वो बशीर से फ़ोन पर बात कर रहा था। इस मरतबा किसी झगड़े की बात थी। नासिर ने किसी पटवारी और कानून गोकुलान तान की और कहा
कि उन दोनों की वजह से सारा काम खराब हो रहा है। दो चार मिनट बाद ये बात भी इख्तिताम पजीर हो गई। कुछ देर बाद एक शख्स ने कमरे का थोड़ा सा दरवाजा खोला और एक ट्रे दरवाजे के पास ही तपाई पर रख दी। ट्रे में नाश्ता था। दरवाजा फौरन ही दोबारा बंद कर दिया गया। मुसल्लह गार्ड्स का चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। शानी ने नाश्ते की तरफ देखा तक नहीं, वो दीवार से टेक लगाए बैठी रही और सोचती रही कि उसने चौधरी बशीर का सामना कैसे करना है। ये बात तो तय थी कि वो सबसे पहले मुन्ने के बारे में सवाल करेगा और जानना चाहेगा कि मुन्ना किसके पास है और कहाँ है। फिर यकीनन उसने ये पूछना था कि वो लाहौर से वापस जोहराबाद जाते जाते रुस्तम के पास बड्डे डेरे पर कैसे पहुंच गए और क्यों। वो इन सवालों के जवाब और जवाबात से पैदा होने वाले सवालों के बारे में सोचती रही और उसका हलक सूख कर कांटा होता रहा। वो जानती थी कि यहाँ मौजूद तीन चार अफराद से दाद फरियाद करने का कोई फायदा नहीं। उसके साथ जो कुछ भी होना था अब चौधरी बशीर के आने के बाद ही होना था। फाखिर के मरने के बाद शानी को चौधरी बशीर एक मुख्तलिफ शख्स नजर आया था। उसे लगा था कि चौधरी बशीर चौधराहट का एक मॉडर्न और सुलझा हुआ रूप है, लेकिन धीरे धीरे और बतदरीज चौधरी बशीर भी वही बन गया था जो चौधरी फाखिर था। बल्कि आज तो उसे चौधरी फाखिर से कहीं बढ़कर चौधरी बशीर से खौफ महसूस हो रहा था। वो सोचने लगी, क्या किसी तरह वक्त की रफ्तार रुक नहीं सकती? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वॉल क्लॉक अपनी टिकटें खत्म करके साकित हो जाए और चौधरी बशीर कभी यहाँ ना पहुंच सके? लेकिन वक्त किसी की ख्वाहिश के मुताबिक अपनी रफ्तार सुस्त या तेज नहीं करता। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। वो वक्त आ गया जब कोठी के गेट पर चौधरी बशीर के पिजारों का हॉर्न सुनाई दिया और इर्द गिर्द हलचल नजर आने लगी।